शेखर ने जहर पी लिया है। केवल हम जानते हैं उसके असर को कैसे खत्म किया जा सकता है। काहे चिंता कर रही हो झूठे, मरा नहीं है वो, अभी तक तो ना ही मरा। नव की दुल्हन, जब हम महादेव जी के चरणों में थे, इस बार बहुत ध्यान लगा के सोचे और एक निर्णय पहुंचे कि इस बार आर नहीं तो पार। या तो शेखर वो करेगा जो हम चाहते हैं, या तो फिर मरने दीजिए उसे। ये जहर हमने बहुत खास जड़ी बूटियों से बनाया है। हमने बनाया और इसका खत्म करने की बूटी हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास। उसके अलावा कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। तीज का चांद अब दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा, शिखरवा की जिंदगी दिन प्रतिदिन छोटी होती जाएगी। और जो दिन तुम पूरा चांद देखोगी, उस दिन उस चांद को शेखरवा नहीं देख पाएगा। यदि समय रहते आपने कुछ नहीं किया नौ की दुल्हन, तो हमको बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर तुम उसके लिए अपना हाथ कटवाने को तैयार हो सकती हो, तो उसे बचाने खातिर कुछ भी कर सकती हो। और ये जहर का तोड़ सिर्फ हमारे पास है। जो काम हम कहे उसको पूरा करना पड़ेगा, और समय बिल्कुल नहीं आया आपके पास। वो देखिए, चंदा मामा आसमान से नीचे उतर रहे हैं, और जब अगली बार आएंगे तो थोड़ा और बड़ा होके आएंगे। बहुत जल्दी उस थाली की शक्ल के हो जाएंगे। उसके बाद बस शेखर को तैयार कीजिए कि वो आपकी कोख में हमरे लिए एक पोता डाल दे। समझी? तब फिर से दोहराऊं? लीजिए, आप चाहिए। आपके छोटे ठाकुर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, और आपका भी समय शुरू हो चुका है। अब सुनिए, चीज का ध्यान रखिएगा कि ये बात हम ही दोनों के बीच में रहे। आप किसी और से ये बात की चर्चा नहीं करेंगी, क्योंकि ये बात हमको बिल्कुल पसंद ना है।
जहर का तोड़ सिर्फ हमरे पास। हम तो पहले ही अपने आप को दासी मान चुके और छोटे ठाकुर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन ठाकुर साहब जो हमसे चाहते वो हम कैसे करें, वो भी इतना कम समय। अगर एक हम जान के पूरा होते होते नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा, कैसे काम करें हम पूरे खाकर। जैसे हम कोई काम पूरा करना पड़ेगा।